गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हम फिर से आ गए। मैं आनंद और आपका ये सबसे प्यारा सा चैनल शारदा टेक्निकल एजुकेशन। सब लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं किए हो तो सब लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग डेली पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सब्सक्राइब किए रहोगे तो। और आप लोग जैसा कि टेम्पलेट देख करके ही पता कर लिए होंगे कि आज क्या पढ़ाने वाले हैं हम, तो टेम्पलेट से ही पता चला होगा कि हम लोग पढ़ने वाले कंपैरिजन बिटवीन नॉर्मल ट्रेन, मेट्रो ट्रेन और मोनोरेल। ठीक है, तो आज ये तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि हमारी आदत है बचपन में जेनेटिक फीचर से एक दूसरे का कंपेयर करने का। तो यहाँ पे भी जैसे कि हम लोग कंपैरिजन करते रहते हैं, वो अच्छा वो खराब, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे तीनों ट्रेन के बारे में, कौन सा ट्रेन किस पॉइंट के लिए अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग कंपेयर करने के लिए हम लोग कुछ कंपेरिजन पॉइंट ये किए हैं, उसके हिसाब से फिर तीनों ट्रेन का हम देखेंगे कि कौन सा ज्यादा सुटेबल है, किस फील्ड के लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो पहला हम लोग पॉइंट ऑफ कंपेरिजन में रखें सुटेबिलिटी और पर्पस, कौन सा ट्रेन किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है और कौन सा ट्रेन ज्यादा सुटेबल है। जैसा कि हम लोग नॉर्मल ट्रेन में देखते हैं, नॉर्मल ट्रेन यहाँ पे हम लिखे हैं मीन्स जो हमारा नॉर्मल ट्रेन रहता है, जैसे राजधानी है या लोकल ट्रेन है, उनके बारे में मैं नॉर्मल ट्रेन से उन्हें डिनोट किया हूं। तो बात करेंगे नॉर्मल ट्रेन का। सो नॉर्मल ट्रेन अर्बन, सब अर्बन और ये दोनों के जगहों पे यूजफुल है, दोनों के लिए सुटेबल है। और इसका यूज हम लोग मेटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए भी करते हैं और पीपल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग मेट्रो ट्रेन का बात करें तो मेट्रो ट्रेन का आपके लिए सुटेबल है, सिटीज के लिए सुटेबल है। जैसा कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे थे कि मेट्रो ट्रेन कहाँ पे सुटेबल ज्यादा होता है, हाईली डेंस एरिया में, क्योंकि मेट्रो ट्रेन को इंस्टॉल करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है। तो जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं, जहां पे हाई डेंस पॉपुलेशन है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। तो बेसिकली इसका यूज कहां पे करते हैं हम लोग, सिटीज में करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो यूज किया जाता है पर्पस जो है वो किसके लिए, पीपल ट्रांसपोर्ट के लिए, सिर्फ मैन पावर ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है, आदमी पीपल्स लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। तीसरा मोनोरेल का बात करें तो इसका भी यूज हम लोग जैसा कि देखे थे कि इसमें भी इंस्टॉल करने का बहुत ज्यादा कॉस्ट है, तो जहां पे रोड एक्सपेंशन का पॉसिबिलिटी नहीं बनता है वहां पे हम लोग मोनोरेल का यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो मोनोरेल भी हमारा बेसिकली सिटीज में के लिए ज्यादा प्रिफरेबल है, तो इसका भी यूज हम लोग सिटी में करते हैं। इसका भी यूज बेसिकली पीपल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। दूसरा रनिंग डिस्टेंस, दूसरा पॉइंट क्या हमारा, रनिंग डिस्टेंस। रनिंग डिस्टेंस से मतलब है कि जो ट्रेन है वो कितना दूर के लिए डिस्टेंस वो कवर करता है। जैसे कि नॉर्मल ट्रेन का बात करें तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कन्याकुमारी से दिल्ली आता है ट्रेन, या फिर हमारा रांची से दिल्ली जाता है, तो ये सब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। तो इनका जो रनिंग डिस्टेंस जो होता है वो वेरी लार्ज होता है, बहुत ज्यादा लार्ज होता है। वही पे अगर मेट्रो ट्रेन का बात करें तो मेट्रो ट्रेन चूंकि सिटी के अंदर ही मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो इसका जो रनिंग डिस्टेंस होता है वो बहुत छोटा होता है। उसी तरह से मोनोरेल का भी बात करें तो मोनोरेल का भी कहां पे हम लोग यूज करते हो, याद किया हो ना बच्चों, सिटीज में। और सिटीज का सिर्फ सिटीज के अंदर ही मूव करेंगे तो यहाँ पे भी जो रनिंग डिस्टेंस होगा वो बहुत छोटा होगा, सो वेरी लेस होगा। उसके बाद बात करेंगे लैंड एक्विजिशन एंड इशू। लैंड को, जमीन को, चूंकि सरकार जब गवर्नमेंट जब ये करती है ट्रैक जब बिछाती है तो उसके लिए उसे जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो जब अगर हम लोग बात करें तो देखते होंगे कि नॉर्मल ट्रेन जब नॉर्मल ट्रैक जब बिछाया जाता है तो बहुत उसके आसपास के लिए भी एरिया छोड़ा जाता है, तो यहाँ पे लैंड बहुत ज्यादा हमें ये करना पड़ता है, जब लेना पड़ता है जो भी वहां के पीपल्स हैं उनसे ज्यादा जमीन हमें लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लैंड एक्विजिशन, यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जमीन को अधिग्रहण करना बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से, चूंकि ज्यादा जमीन लेना होता है बहुत सारे लोगों से हमें डील करना पड़ता है। उसी तरह से अगर यहाँ पे बात करें मेट्रो ट्रेन के लिए, मेट्रो ट्रेन के लिए नॉर्मल ट्रेन से थोड़ा सा कम हमें जमीन की जरूरत होती है,
तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कम है, नॉर्मल ट्रेन के कंपैरिजन में यहाँ पे कम कॉम्प्लिकेशन है। वहीं फिर बात करें मोनोरेल के लिए, तो मोनोरेल हम लोग क्या देखे थे कि रोड के साइड में या रोड के बीच में हम लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसे लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमें, चूंकि हम लोग देखे थे कि मोनोरेल कहाँ पे यूज किया जाता है, जहां पे रोड का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो जिसके चलते जमीन को यहाँ पे लेने के लिए किसी से बहुत ज्यादा ये दिक्कत नहीं होता, बहुत कम जगह का हमें अगर लेना भी होता बहुत कम जमीन जगह लेना होता, तो यहाँ पे बहुत कम कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे साइड क्लियरेंस रिक्वायर्ड। जैसा कि हम लोग देखे कि नॉर्मल ट्रेन जो ट्रैक जब पास होता है तो उसके आसपास में भी जमीन बहुत ज्यादा खाली छोड़ा जाता है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, या फिर क्लियरेंस, क्योंकि बहुत सारे कभी देखते होंगे कि पास से रोड गया हुआ है तो ये सब है, तो जिसके चलते क्या जाता है वहां पे जगह ज्यादा छोड़ा जाता है, क्लियरेंस ज्यादा छोड़ा जाता है, क्योंकि स्पीड में ट्रेन होता है तो उसके चलते भी छोड़ा जाता है, तो यहाँ पे क्लियरेंस ज्यादा छोड़ना पड़ता है, लार्ज रहता है। उसी तरह अगर मेट्रो में बात करें तो मेट्रो ट्रेन में नॉर्मल ट्रेन के कंपेरिजन में कम होता है, क्योंकि ज्यादातर जो मेट्रो ट्रेन का जो ट्रैक होता है वो अंडरग्राउंडेड होता है, सो यहाँ पे क्लियरेंस कम छोड़ना पड़ता है हमें। और अगर मोनोरेल का बात करें तो मोनोरेल तो ज्यादातर एलिवेटेड ही होता है, तो यहाँ पे और भी कम जरूरत पड़ता है, तो बहुत कम यहाँ पे हमें स्पेस छोड़ने का, क्लियरेंस छोड़ने का बहुत कम हमें जरूरत पड़ता है। वहीं अगर बात करें टाइप ऑफ लोकोमोटिव यूज, लोकोमोटिव यूज मतलब किस टाइप के वहां पे इंजन का यूज किया जाता है, ट्रैक ये ट्रेन का यूज किया जाता है, तो नॉर्मल ट्रेन में हम लोग देखते होंगे कि इलेक्ट्रिक एंड नॉन इलेक्ट्रिक दोनों टाइप का लोकोमोटिव का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन ये ट्रैक है वहां पे इलेक्ट्रिक भी चलता है, नॉन इलेक्ट्रिक भी चलते हैं। जैसे नॉन इलेक्ट्रिक में क्या हम लोग देखते होंगे स्टीम इंजन, तो खैर बहुत कम हो गया, आप लोग सोलह, मैं इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बोला था कि सोलह मूवी में स्टीम इंजन का दिखाया गया है, तो वहां पे तो स्टीम इंजन भी चला सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक भी चला सकते हैं और डीजल इंजन भी चला सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक एंड नॉन इलेक्ट्रिक दोनों टाइप का हम लोग यूज कर सकते हैं, नॉर्मल ट्रेन में यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें मेट्रो में, तो मेट्रो में सिर्फ इलेक्ट्रिक इंजन लोकोमोटिव का ही यूज किया जाता है, उसी तरह मोनोरेल में भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ही यूज किया जाता है। सो हम लोग क्या देखें कि टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव यूज्ड में नॉर्मल ट्रेन में इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक दोनों टाइप के लोकोमोटिव यूज किए जाते हैं, मेट्रो में सिर्फ इलेक्ट्रिक, मोनोरेल में सिर्फ इलेक्ट्रिक टाइप के लोकोमोटिव यूज किए जाते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक स्टेशन। मीन अगर हम लोग ट्रैक स्टेशन का अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, बनाते हैं, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इजिली हम लोग ये कर पाते हैं या दिक्कत आता है, तो उसके बारे में देखें। तो देखें पहला अगर हम लोग बात करें नॉर्मल ट्रेन का, तो नॉर्मल ट्रेन का जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि खुला स्पेस में रहता है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, सो मॉडरेट कॉम्प्लेक्स है। वही अगर हम लोग बात करें मेट्रो का, तो मेट्रो चूंकि अंडरग्राउंडेड होता है तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अंडरग्राउंड में उतना स्पेस से ये करना तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। वही अगर हम लोग मोनोरेल का बात करें तो ये मेट्रो ट्रेन से कम कॉम्प्लिकेटेड है, बट चूंकि एलिवेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एलिवेटेड होता है, तो हम बोल सकते हैं नॉर्मल ट्रेन से ज्यादा है, नॉर्मल ट्रेन से मोनोरेल का स्टेशन अगर हम लोग यह करना चाहें तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेट्रो ट्रेन से कम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मटेरियल, ट्रैक मटेरियल का अगर बात करें हम लोग, तो ट्रैक मटेरियल जो बना होता है वो नॉर्मल ट्रेन का स्टील का बना होता है, मेट्रो का आरसीसी का बना होता है, उसी तरह से मोनोरेल का भी आरसीसी का बना होता है। पैसेंजर कैपेसिटी का बात करें, पैसेंजर कैपेसिटी का अगर हम लोग बात करें, तो पैसेंजर जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि नॉर्मल ट्रेन में बहुत सारे लोग भर बैठ करके जाते हैं, तो अबव देन 500 रहता है उसका पैसेंजर कैपेसिटी, मेट्रो ट्रेन में लगभग 500 का होता है और मोनोरेल में 500 से कम होता है, 400, 500, 400, 300 इस तरह से मोनोरेल का होता है। स्पीड का बात करें तो मैक्सिमम स्पीड अप टू 180 किलोमीटर पर आवर होता है नॉर्मल ट्रेन, लेकिन अगर मेट्रो का बात करें तो लगभग 60 to 80 किलोमीटर,
अब आप लोग सोचते हैं सर मेट्रो तो बहुत फास्ट चलता है, लेकिन हाँ चूंकि होता क्या कि मेट्रो ट्रेन का जो स्टेशन से स्टेशन डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो होता क्या है कि ट्रेन एक्सलरेट फास्टली होता है और फिर कुछ समय के लिए चलता है, फिर से डीएक्सलरेट होता है, ब्रेकिंग होता है, तो जिसके चलते यहाँ पे फ्री रनिंग टाइम जो है मीन्स हम लोग नॉर्मल जो स्पीड पे चलते रहते हैं वो यहाँ पे कम होता है, जिसके चलते हमें लगता है कि मेट्रो ट्रेन ज्यादा फास्ट चल रहा है। लेकिन अगर स्पीड देखेंगे तो हम लोग इसका स्पीड लगभग नॉर्मल ट्रेन का 180 किलोमीटर तक के रीच किया जा सकता है, हालांकि इंडिया में भी उतना स्पीड है 180 किलोमीटर तक के नहीं जाता, लेकिन मेट्रो ट्रेन का 60 to 80 है, 60 to 80 किलोमीटर पर आवर है, और मोनोरेल का लगभग लेस देन 60, 40, 30 इस तरह से इसका स्पीड है, चूंकि एलिवेटेड होता है तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिक्कत है, तो जिसके चलते इसका स्पीड कम रहता है। डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन, अब स्टेशन का बात करें, स्टेशन टू स्टेशन डिस्टेंस, दो स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका बात अगर हम लोग करें तो लगभग नॉर्मल ट्रेन का जैसे जैसे कि आप देखते होंगे कि लगभग 15 किलोमीटर, और ज्यादातर जो एक्सप्रेस ट्रेन या राजधानी वगैरह का तो 60, 70 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के अलावा होता है, तो अबव देन 15 किलोमीटर होता है इसका, ठीक है। और मेट्रो का लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, मोनोरेल का लेस देन 1.5 किलोमीटर होता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच का डिस्टेंस। चूंकि ये दोनों मोनोरेल और मेट्रो रेल जो है वो सिटीज के अंदर होते हैं, तो इनमें स्टॉपेज का ज्यादा जरूरत होता है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ से दूसरे जगह जाते हैं फिर, तो जिसके चलते यहाँ पे स्पीड सॉरी डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन थोड़ा कम होता है। उसके बाद हम लोग बात करें स्पीड टाइम कर्व का, तो स्पीड टाइम कर्व में हम लोग जैसा कि और भी हम लोग स्पीड टाइम कर्व के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे जस्ट मैं ये दिखा देता हूँ सिर्फ कंपेरिजन पॉइंट के लिए ली है, फिर टाइम डिस्टेंस स्पीड टाइम कर्व हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सो नॉर्मल ट्रेन का फ्री रनिंग टाइम जो होता है वो ज्यादा होता है, फ्री रनिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है, और एक्सलरेशन और ब्रेकिंग जो होता है वो मॉडरेट होता है, बहुत ज्यादा वो क्विक नहीं होता। लेकिन अगर मेट्रो ट्रेन का बात करें तो इसमें फ्री रनिंग टाइम जो होता है बहुत कम होता है, चूंकि स्टेशन टू स्टेशन डिस्टेंस बहुत कम है, तो ट्रेन स्टार्ट होता है, एक्सलरेट होता है, फिर से थोड़ा सा चला तो फिर से उसे ब्रेकिंग करना पड़ता है, तो यहाँ पे बहुत कम फ्री रनिंग टाइम होता है, और एक्सलरेशन और ब्रेकिंग पीरियड जो होता है बहुत कम होता है, मीन्स एक्सलरेट इसे फास्ट करना पड़ता है और ब्रेकिंग के लिए भी हमें फास्ट करना पड़ता है। उसी तरह से हम लोग मोनोरेल का बात करें तो यहाँ पे भी फ्री रनिंग पीरियड बहुत कम होता है और एक्सलरेशन और ब्रेकिंग पीरियड बहुत छोटा होता है। तो यहां तक कि हम लोग देखें कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में हम लोग देखे, अब हम लोग बात करेंगे उसके आगे टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ, तो टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम एंड देयर सिग्निफिकेंस, ये हम लोग अगला टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये कंपैरिजन में किसी को अगर किसी तरह से डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं रिप्लाई दूंगा या फिर से आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उम्मीद करते हैं। उसके बाद आएंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम एंड देयर सिग्निफिकेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी तक के देखे तो बेसिकली अगर हम लोग देखें कि टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम जो हम लोग देखे उसमें भी बेसिकली क्या देखे, इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक। सो हम लोग यहाँ पे जो टाइप्स देखेंगे बेसिकली टू टाइप्स ही है, वो है नॉन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक। नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम किसे हम लोग बोलेंगे, जो ट्रैक्शन सिस्टम किसी भी स्टेज पे, जो ट्रैक्शन सिस्टम किसी भी स्टेज पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज नहीं करता हो, जो ट्रैक्शन सिस्टम किसी भी स्टेज पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज नहीं करता हो उसे हम लोग नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम बोलेंगे। जैसे कि स्टीम इंजन, स्टीम इंजन में हमें किसी तरह का इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं किया जाता, या फिर दूसरा है डायरेक्ट कंबसन इंजन, और जिसे हम लोग डायरेक्ट आईसी इंजन भी बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इंटरनल कंबसन इंजन, इसमें हम लोग डायरेक्ट इंजन से डायरेक्ट व्हील कपल्ड होता है और यूज करते हैं हम लोग, इसमें किसी तरह का अल्टरनेटर वगैरह का यूज नहीं होता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज नहीं होता। तो इस तरह के जो ट्रैक्शन सिस्टम होंगे उसे हम लोग
नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम बोलेंगे। दूसरा आता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। अब आप लोग गेस कर ही लिए होंगे, बताने का तो जरूरत है नहीं, लेकिन चलो फिर भी बता देता हूँ। आप लोग गेस कर लिए होंगे कि नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया जाएगा। तो इसका डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिकल, जिस ट्रैक्शन सिस्टम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया जाता हो पार्शियली या फिर फुली अगर यूज किया जाता है तो उस ट्रैक्शन सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। जैसा कि एक डीजल इलेक्ट्रिक इंजन ये जो है उसमें क्या होता है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन डायरेक्ट ये होता है एक्सल से कनेक्टेड होता है, लेकिन वही अगर हम लोग डीजल इलेक्ट्रिक का बात करें तो वहां पे डीजल इंजन से अल्टरनेटर कपल्ड होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर हमारा ट्रैक्शन सिस्टम रन होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आईसी इंजन का है और यहाँ पे डीजल इलेक्ट्रिक। डीजल इलेक्ट्रिक में फ्यूल डीजल यूज होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो इसका यूज जो होता है वहां पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं। डीजल से, डीजल इंजन से हम लोग अल्टरनेटर को मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, उसके बाद इसका यूज किया जाता है, इसलिए डीजल इलेक्ट्रिक लिखे हैं। फिर बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव, बहुत सारा अभी आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे ये टेम्पो टाइप का आया हुआ है, बड़े बड़े बस भी हुए हैं जिसमें बैटरी से यूज कर बैटरी चार्ज करके उसके बाद बैटरी का यूज किया जाता है, तो बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है। उसके बाद स्ट्रेट इलेक्ट्रिक ड्राइव, स्ट्रेट इलेक्ट्रिक ड्राइव में जैसे कि अभी आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ट्रेन है सीधा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रीफाइड वायर से लेते हैं और उसे यूज करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डायरेक्ट वो यूज करते हैं, इसीलिए उसका नाम स्ट्रेट इलेक्ट्रिक ड्राइव बोला गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन इलेक्ट्रिक सिस्टम में, जैसा कि हम लोग स्टीम इंजन के बारे में स्टीम इंजन देखे थे, एग्जाम्पल का स्टीम इंजन देखे थे और डायरेक्ट आईसी इंजन देखे थे हम लोग, तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। सो स्टीम इंजन, स्टीम इंजन किस तरह से रन होता है उसके बारे में जरा सा बात करें। सो स्टीम इंजन का जो लोकोमोटिव होता है वो किस पावर का यूज करता है, स्टीम पावर का यूज किया जाता है। स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग कोयला को बर्न करते हैं, हीट चैम्बर में बर्न करते हैं, कोयला को बर्न करते हैं जिससे उसके जो हीट जो पहुंचता है गैस जो होता है उसे हम लोग पाइप से पास करवाते हैं और वाटर को हीट करते हैं, स्टीम फॉर्म करते हैं और उसी स्टीम का यूज हम लोग करते हैं पिस्टन को घुमाने के लिए। पिस्टन से एक्सल से कनेक्टेड होता है हमारा व्हील और व्हील वो रोटेट करता है, ठीक है। सो स्टीम इंजन ड्राइव यूटिलाइज पावर ऑफ स्टीम प्रोड्यूसर्स पुलिंग पावर, ठीक है। सो स्टीम इंजन जो है वो यूटिलाइज करता है किसका, स्टीम पावर का यूटिलाइज करता है। स्टीम प्रोड्यूस किस तरह से करते हैं, हम लोग कोयला को बर्न करते हैं, कोयला को बर्न करने से कोयला का जो हीट गैस जो प्रोड्यूस होता है, हॉट गैस जो प्रोड्यूस होता है उसका हम लोग यूज करते हैं स्टीम फॉर्म करने के लिए। स्टीम को हम लोग हाई प्रेशर पे हम लोग उसके पिस्टन पे ये करते हैं, छोड़ते हैं जिससे चलते पिस्टन मूव करता है और ये रोटेटिंग पावर में कन्वर्ट होता है। सो इसका कुछ डायग्राम मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया, देख सकते हो आप लोग, इधर से कोयला यहाँ पे डाला जाता है, चैम्बर में डाला जाता है, कोयला यहाँ पे आता है, यहाँ पे बर्न करते हैं हम लोग, बर्न होने के बाद गैस जो प्रोड्यूस होता है उसे पाइप के थ्रू चैम्बर में पास किया जाता है। वो ये पानी है, पानी गर्म होगा, स्टीम फॉर्म होगा, स्टीम को ये इस पाइप के थ्रू हाई प्रेशर से हम लोग यहाँ पिस्टन पे छोड़ेंगे और पिस्टन पे छोड़ने के बाद ये पिस्टन रिवॉल्व करेगा और रोटेशन पावर गेन होगा। तो अभी तक के हम लोग बच्चों पढ़े थे स्टीम इंजन के बारे में, उसका ब्लॉक डायग्राम देखे थे, वो किस तरह से फंक्शन होता है उसका ये हम लोग देखे थे। उसका मेन पार्ट हम लोग क्या देखे थे, कोल इनलेट देखे थे जहां से कोयला को हम लोग डालते हैं मैनुअली। सो स्टीम इंजन में कोयला जो है मैनुअली डाला जाता है और कोयला जो बर्न होता है वो पैन पे होता है और उसे हम लोग जो कोयला का जो ऐश होता है जिसे हम लोग राख बोलते हैं, राख को हम लोग पैन के बॉटम से कलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखें फायर बॉक्स, फायर बॉक्स क्या होता है,
हॉट फ्लू गैसेस जब फॉर्म होता है तो उन्हें वो हम लोग फायर उसे कलेक्ट करते हैं फायर बॉक्स में. सो कोयला बर्न होने के कारण जो फ्लू गैसेस जो प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग कलेक्ट कहाँ पे करते हैं, फायर बॉक्स में करते हैं. उसके बाद है बॉयलर. बॉयलर में हम लोग क्या देखे थे कि पानी रखा हुआ था और उसी से वहां पे ट्यूब कुछ ट्यूब्स पास थे, उसी से हम लोग फ्लू गैसेस को हॉट जो फ्लू गैसेस था उसे हम लोग पास करते थे और जिससे वाटर गर्म होता था और स्टीम का फॉर्मेशन होता था. उसके बाद हम लोग देखे स्मोक बॉक्स. स्मोक बॉक्स क्या है, जब हम लोग फ्लू गैसेस को बॉयलर से जब ट्यूब के थ्रू पास करते थे तो फ्लू गैसेस एक जगह पे जाकर के कलेक्ट होता था एक एरिया में, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं स्मोक बॉक्स. उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टीम सिलेंडर. स्टीम सिलेंडर क्या था, ये जहां पे हम लोग हाई प्रेशर से स्टीम को छोड़ते थे और पिस्टन मूव होता था उसे हम लोग क्या बोलते थे, स्टीम सिलेंडर बोलते थे. और पिस्टन मूव होता था, पिस्टन हमारा कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड होता था और कनेक्टिंग रॉड लोकोमोटिव्स का व्हील से कनेक्टेड होता था और इस तरह से रेसिप्रोकेटिंग जो मूवमेंट जो प्रोड्यूस होता था पिस्टन में उसे व्हील तक के रोटेशनल स्पीड में उसे ट्रांसफर किया जाता था, ये हम लोग देखे. उसके बाद स्टीम इंजन जो है, स्टीम इंजन का मोस्टली जो यूज है वो कहां पे किया जाता है, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में किया जाता है. जैसे ही कंट्रीज डेवलपिंग हो जाते हैं या डेवलप्ड हो जाते हैं तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक इंजन से. क्यों ऐसा क्यों किया जाता है उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम लोग पढ़ेंगे स्टीम इंजन का. तो पहले हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं, पहले हमें अच्छा ही देखना चाहिए किसी का भी, उसके बाद हम लोग बुराई देखते हैं. तो अच्छाई इसका क्या है, ये है सिंप्लिसिटी इन डिजाइन. बहुत ज्यादा सिंपल है, इसे डिजाइन करने में बहुत ज्यादा कष्ट नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ये सिंप्लिसिटी इन डिजाइन है. दूसरा इजी इन स्पीड कंट्रोल, इसमें हम लोग इजिली स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल करना इसमें बहुत आसान है. उसके बाद है हमारा नो इंटरफेरेंस विथ कम्युनिकेशन लाइन, क्योंकि इसे कोई इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं किया जाता किसी भी स्टेज पे, तो जिसके चलते क्या होता है कि कम्युनिकेशन लाइन जो होते हैं जो कहीं पे ट्रैक के आसपास से गुजरते हैं वहां पे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नेटवर्क से किसी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता. वही अगर इलेक्ट्रिफाई वाले लाइन पे अगर देखें तो वहां पे कम्युनिकेशन लाइन से वो इंटरफेयर करते हैं जिसके चलते सिग्नलिंग में इशू आता है, तो ये एक एडवांटेज है. दूसरा तो उसके बाद चौथा जो नंबर है इसका कैपिटल कॉस्ट मींस इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो बहुत कम है. क्यों कम है, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क जो होता है वो यहाँ पे नहीं करने की जरूरत नहीं, चूंकि हम लोग स्टीम इंजन चला रहे हैं तो स्टीम इंजन चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क का जरूरत नहीं पड़ता. ये था एडवांटेज. लेकिन जहां पे एडवांटेज होता है वहां पे कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो अच्छाई के साथ बुराई भी होता है. तो बात करेंगे कि इसका बुराई क्या है. तो हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे या अभी तक के देखे कि ये जो है स्टीम इंजन जो है उसमें अगर हम लोग सिंपल अगर कॉमन अगर ये थिंकिंग से सोचे तो क्या देख रहे हैं कि कोयला को डालते हैं, फिर उससे बॉइलिंग वाटर बॉयल होता है, फिर उससे स्टीम को हम लोग पाइप से पास करते हैं. तो यहाँ पे कोयला का बर्न होना, कोयला डालना फिर हटाना, ये सब का काम है. तो यहाँ पे जो टाइमिंग जो है, वर्किंग टाइम जो है, अगर कोई भी स्टीम इंजन अगर मान लो कि 24 घंटा के लिए हम लोग उसे अगर रनिंग के लिए कंसीडर करते हैं तो जस्ट 60% ही जितना भी उसका रनिंग पीरियड है उसमें 60% ही वो रनिंग के लिए आता है, बाकी समय हमें रिपेयरिंग में मेंटेनेंस में ही चला जाता है या सर्विसिंग में चला जाता है. ठीक है. सो पहला डिसएडवांटेज क्या है, स्टीम इंजन इज अवेलेबल फॉर हॉलेज फॉर अबाउट 60% ऑफ इट्स वर्किंग टाइम. इसका जो वर्किंग टोटल वर्किंग टाइम में सिर्फ ये 60% टाइम ही काम करने के लायक होता है, बाकी समय हमें रिपेयरिंग में ही चला जाता है, रिपेयरिंग में चला जाता है, सर्विसिंग में चला जाता है, क्लीनिंग में चला जाता है, ये सब में चला जाता है. उसके बाद
थर्मल इफिशियंसी बहुत लो है, इसका एफिशिएंसी 10-15% है मात्र। उसके बाद देखे तो इसमें हमेशा वाटर का एक इंटरवल के बाद, चूंकि यहां पे वाटर बॉयल होता है, स्टीम फॉर्म होता है, और वो स्टीम को हम लोग छोड़ देते हैं, तो जिसके चलते हमेशा इसका थर्मल इफिशियंसी बहुत लो होता है। उसके बाद हमें क्या देखे, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई हमें हर एक इंटरवल की बात करना पड़ेगा। मतलब कुछ समय के बाद हमारा जो कंजर्व जो वाटर है, जैसे हम लोग देखे बॉइलिंग ये सब करने के बाद स्टीम को हम लोग छोड़ देते हैं, तो हमेशा हमें वाटर फीड करना पड़ेगा, वाटर हमेशा डालना पड़ेगा कुछ समय के बाद। उसके बाद चूंकि कोयला को बर्न करते हैं तो ऐश जमा होते रहता है, तो उसके लिए हमें ऐश को भी हटाने के लिए, ऐश को क्लीन करने के लिए, राख को हटाने के लिए भी हमें कुछ समय के बाद हमें स्टॉप देना होगा। हम लोग कंटिन्यू रन नहीं कर सकते, सो पीरियोडिक स्टॉप उसके लिए भी जरूरत है। इसे हम लोग तुरंत इमीडिएटली सर्विस के लिए नहीं एक्टिवेट कर सकते हैं, सर्विस या ऑपरेशन के लिए तुरंत हम लोग इसे नहीं ले सकते। तो जैसे कि हमें अभी का अगर ट्रेन को चालू करना है तो हम तुरंत उसे नहीं कर सकते हैं चालू, उसके लिए हमें लगभग 3-4 घंटा में टाइम चाहिए होगा, तब हम ट्रेन को सर्विस में ले सकते हैं, मीन चालू कर सकते हैं। पहले कोयला को जलाएंगे, फिर स्टीम फॉर्म होगा, उसके बाद फिर ये चालू होगा। तो यहाँ पे टाइम तुरंत हम उसे इमीडिएटली सर्विस में नहीं ले सकते, ऑपरेशन में नहीं ले सकते हैं। ऑपरेशन पावर टू वेट रेशियो इज लो, मीन्स जितना ट्रेन का जो वेट और पावर का जो रेशियो है वो यहाँ पे बहुत कम होता है। उसके बाद चूंकि हम लोग यहाँ पे कोयला बर्न करते हैं, ऐश फॉर्मेशन होता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है, या क्लीन भी नहीं, ये क्लीन नॉट क्लीन ड्यू टू कोल डस्ट एंड स्मोक, ये क्लीन वे नहीं है। उसके बाद इसे हम लोग अंडरग्राउंड रेलवेफिकेशन के लिए हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पे स्मोक फॉर्म होता है, ये इसका यूज हम लोग अंडरग्राउंड के लिए भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये किसी तरह का डैमेज अगर होता है तो इसका रिपेयरिंग कॉस्ट जो है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, वो बहुत हेवी है, बहुत ज्यादा है। उसके बाद एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन जो पीरियड है वो बहुत कम होता है, रेट जो है एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग का जो रेट है वो बहुत कम है, 0.6-0.8 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। उसके बाद लो स्टार्टिंग टॉर्क, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी बहुत कम होता है। तो बाकी का बच्चों कल पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे आईसी इंजन के बारे में, डायरेक्ट आईसी इंजन के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो कोई भी जाना नहीं, सब लोग देखना अगला वीडियो, फिर से आएंगे हम। थैंक यू।